तलाक से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने 3 तलाक कानून बनाया ताकि किसी भी मुस्लिम महिला को इसका दंश ना झेलना पड़े। लेकिन लगता है कि इस कानून का खौफ 3 तलाक के शरीयत के आदेश को मानने वालों पर दिखाई दे रहा है। दरअसल 3 तलाक पर कानून बनने के बाद छत्तीसगढ़ में पहला 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां महेंद्रगढ़ में पीड़ित महिला अपने 3 बच्चों के साथ पहुंची और अपनी आपबीती पुलिस को सुनाई। 5 साल से मैं बर्दाश्त कर रही, मारते पीटते थे, मुंह बंद करके कभी पंखा में लटकाने की धमकी देते थे, कभी उसका भाई चप्पल को मारता था, सास अलग मेरे को बार बार से मारते थे, पेड़ से बड़ा वाला पेड़ से ढके के मारते थे। तब भी किसी से मैं कहते आज तक फोन में नहीं बताती थी, जाने तो रहना है मेरे को वहीं है, 4-3 लड़के मुँह दे, आज फिर मारे हैं, वो मारे हैं, पीटे, तलाक दिए हैं। क्या बोले हैं जी? कह रहे तलाक दे रहा हूँ, तेरे जैसी औरत को नहीं रखूँगा जी, बच्चे को, मगर बच्चे को तब रखिए, खर्चा दीजिए, करे कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ यहाँ बाग यहाँ रहेगी तो काट के फेंक दूंगा, पता नहीं चलेगी। सर ऐसे मेरे साथ हुआ है सर, ये हथियार उसे होंगे ये भी नहीं पूछना है कि कोई उसके परिवार वाले कि मेरी बहू मेरी बेटी कैसी है, कि अरे किस हालत में पेड़ से है, किस हालत में बच्चे लोग को कहाँ लेकर इनके उनके घर जी। 4 बच्चे अभी हैं, एक पेट में 5वां चल रहा है जी, क्योंकि वो अभी तक कुछ नहीं, मेरे को खबर नहीं लगा, 2 दिन पता नहीं करे काम ढूंढने गया था। क्या चाह रहे हो जी? हम ये हम तो उनको मौका भी दिए थे सर यहाँ आने का। अभी क्या चाह रहे हो जी? अभी तो मैं ये भी चाहती थी कि बन जाए, बाकी वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बनाना चाहती, तेरे को नहीं रखना चाहता, जो करना है कर ले। बच्चों को लेकर क्या होता चाह रहा हूँ? मैं चाह रही हूँ एक बेटी मेरे पास ना, बच्चे रहे, यदि मैं गरीब आदमी हूँ कहाँ से खाऊंगी पीऊंगी, मैं कहाँ से खिलाऊंगी माँ बाप के, तक मैं रहूँगी बताए, 4-4 है, 5 ये होने वाला है, 2 रुक मेरे 3 लोगों वहाँ वो लग रहे। ये उजामा परवीन नाम की महिला आई है अपने पति के विरुद्ध शिकायत करने के लिए, तो शिकायत आवेदन दिया है, उसकी तस्दीक किया जा रही है, तस्दीक के बाद अग्रिम जो कार्रवाई बनता है वो किया जा रहा है। किस तरह का मामला है और कितने बच्चे हैं महिला के शिकायत में? महिला के 4 बच्चे हैं और पति के द्वारा उसे मारपीट किया जाता है, बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। कोरिया से न्यूज़ के लिए भोजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।